15 साल का जवाब दें, लालू जी अपने 15 साल का जवाब दें, और कांग्रेस ने आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक 40 साल तक देश पर राज किया है और बिहार में राज किया है, वो अपने 40 साल का हिसाब दें। जहाँ हिंदी और आरजेडी के 15 साल की हिसाब देनी है, वहीं कांग्रेस को अपने 40 साल का हिसाब जनता के सामने में पेश करना है। आज़ादी के बाद से अपने 40 साल के आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इन पार्टियों ने बिहार की जनता के साथ खलाबा किया है। गरीबों, किसानों, मजदूरों का साक्षरता और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में इजाफा किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त कर बिहार को बर्बाद किया है। का सबसे बड़ा प्रमाण कोविड-19 महामारी में फंसे एवं लौट रहे बिहारी में सांप्रदायिकता का जहर दिन ब दिन फैलता जा रहा है। नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता के साथ सांप्रदायिकता का जहर बोया है, जवाब उसको देना है। फैलता जा रहा है और अपने आप को सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर करती हैं वो भी विश्व समुदाय के विरुद्ध बोल तो पा रही है, पर आज भी राज्यों के हित के लिए एक नए राजनीतिक विकल्प और समीकरण की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए MIM अपनी विचारधारा वाली कई मिलकर इसका बढ़ा रही है, जिसका संदेश जल्द ही बिहार की जनता को दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्श समय बिहार के विधानसभा के लिए हम जारी कर रहे हैं, जिसमें कैंडिडेट का नाम नहीं बल्कि क्षेत्रों का शुमार है, और हम अपनी दूसरी सूची अनकरी भी जारी करेंगे। हमारी क्षेत्रों के लिए है जो राज्य के 22 जिलों में के 32 विधानसभा क्षेत्र के लिए, कटिहार में बलरामपुर और बरारी और कदवा, पूर्णिया में अमोर और बायसी, अररिया में चौकी, दरभंगा में चौकी, समस्तीपुर में समस्तीपुर, मधुबनी में बिस्फी, झंझारपुर, मुजफ्फरपुर में पौचाहा और साहेबगंज, वैशाली में महुआ, पश्चिम चंपारण में बेतिया, रामनगर, मोतिहार में संविधान के अंतर्गत संविधान को सामने में रखकर राज का चलाया जाए, और लोगों को अगर वोट की कीमत समान है तो समान अधिकार सबको मिले, सांप्रदायिकता पर लगाम लगे, किसानों और मजदूरों की समस्या का हल हो, बेरोजगारी पर लगाम लगे और कथनी और करनी के फर्क को मिटाया जाए। आपकी नजर में आपकी विचारधारा की कौन सी पार्टी है, हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हम लोग करीब आपको बताएंगे। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि लिखित तौर पर तो सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमारी विचारधारा एक है, हम सबसे सेकुलर हैं और हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत ही हम लोग रजिस्टर्ड हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी में और करनी में बड़ा अंतर है। जो सांप्रदायिक पार्टियां इस वक्त हैं वो भी अपने आप को सेकुलर कह रही हैं, वो भी अपने आप को संविधान को तोड़ने वाली पार्टियां भी कह रही हैं कि हम संविधान के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। हम लोग अपने समान विचारधारा और ईमानदारी के साथ जनता के साथ काम करने वाले लोगों के साथ हम लोग का संपर्क है, करीब हम लोग किसको लोग चलेंगे उसको। भाई डिस्क्लोज करेंगे हम ना, उनको लोग हैं अभी हमारे साथ, इनकी के साथ हमारी बात चल रही है, हम डिस्क्लोज करेंगे। अब हमने क्षेत्रों का नाम बता दिया, कैंडिडेट का नाम नहीं बताया आपको, वो समय पर हम डिस्क्लोज करेंगे। ये बता सकते हैं अंदाजन की कितनी सीटों के लड़ेंगे? हम लोग बिहार में इसको जायजा ले रहे हैं, क्योंकि संगठन की पूरी समीक्षा है, हम लोगों ने क्योंकि पिछले साल ही ये फैसला किया है कि पूरे बिहार में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जिसका संकेत आपको मिल रहा होगा कि 22 जिलों की हम लोगों ने अभी चिन्हित सूची जारी की है, तो जाहिर है कि हम 22 जिले में पहुंचे हैं, हम 38 जिले में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कहां कहां लड़ेंगे उसकी हम वो करेंगे। हमारी कुछ समान विचारधारा की पार्टियों से बात चल रही है, कुछ एडजस्टमेंट भी होगा हमारा, वो अंतर ही हमारा करेगा, लेकिन इन इन सीटों के लिए हमने अपना चिन्हित कर दिया। ऐसा तो नहीं आप सेकुलर पार्टियों को डरा रहे हैं?
नहीं नहीं हमको हमसे कौन डरेगा, हम तो खुद ही छोटी पार्टी है, हमको डरने का क्या मामला रहा है, हमसे कौन डरेगा, सारे लोग बलवान है, हम लोग तो कमजोर है, हम लोग शोषितों की पीड़ितों की वंचितों की आवाज बन रहे हैं, और वो आवाज बनने में सीमांचल में हमें सफलता मिली है और बिहार के दूसरे जगह में युवाओं और पीड़ितों की एक बड़ा समूह हमारे साथ जुड़ा है, जिससे हमको ये हुआ है कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, हम उनकी आवाज बनने जा रहे हैं। बड़ी पार्टियां तो नशे में चूर हैं, सत्ता के गुरूर में चूर हैं, वो कब इन पार्टियों को फलने फूलना देना चाहती है। हमने आज से एक साल पहले ही पटने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मौजूदा वक्त बिहार की जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सांप्रदायिकता के एजेंडा पर काम कर रही है, इससे मिलकर लड़ना जरूरी है। बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो तनहा इसका मुकाबला कर सकती है, उसके लिए समान विचारधारा पार्टी को अपना एक साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए, उनके खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। तो जो लोग मुखलिस हैं, जो लोग आप यही इम्तिहान है, जो लोग पुजारी हैं, वो तो अपने सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग बिहार के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कोई ना कोई समूह बनाने में कामयाब होंगे, हम लोग इसकी उम्मीद रखते हैं। देखिए, बिहार में इलेक्शन नजदीक है और इसलिए पूरी हलचल सी इस वक्त सियासी हलचल उठ चुकी है और एमआईएम की इकाई बिहार ने फैसला किया है कि हम इस वक्त पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। हमने अपनी मरकजी क्यादत से मशवरा कर लिया है। इस वक्त हमने बिहार के 22 अजला के लिए 32 नशिस्तों का हमने ऐलान किया है, अनकरीब हम अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। इस वक्त बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है और होने के लिए जो हालात बन रहे हैं और जिसमें चर्चा है, वो 15 साल बनाम 15 साल बिहार की जो इख्तदार की पार्टी है 15 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी है, जो हिजब इख्तलाफ में है उन लोगों के 15 साल के जमाने उनको याद है, ये 15-15 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एमआईएम बिहार ने कहा कि नहीं, बिहार की आवाम को 15 साल और 15 साल सिर्फ 30 साल का नहीं, बल्कि कांग्रेस ने जो 40 साल से जायद पूरे मुल्क में और बिहार में हुक्मरानी की है, उसको भी अपना हिसाब किताब आवाम के सामने में पेश करना पड़ेगा। हम इस बात को लेकर लड़ रहे हैं। बिहार की मौजूदा वक्त की सरकार जो इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है, वो हर महल पे नाकाम साबित हुई है। नाखानदगी, बेरोजगारी, बदनवानी और फिरका परस्ती अपने बामे उरूज पर है और ऐसे वक्त में इस हुकूमत को दूसरी बार लौट के आना बिहार के साथ गोया खुशी है, बिहार की जनता के साथ गोया खिलवाड़ है उनके मुकद्दर के साथ। इसलिए हम पूरी तवानाई के साथ बिहार की मौजूदा हुकूमत को इख्तदार से महरूम करने के लिए कोशिश में लगे हैं और हम लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ बाहमी गुफ्त सुनीद और मशवरा कर रहे हैं ताकि एक मजबूत महाज सामने में आए। कई पार्टियों से हमारे रबते हैं और अनकरीब हम उसका ऐलान भी करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी जहां जहां तंजीमी साख मजबूत है, वहां के ताल्लुक से हमने अपनी लिस्ट जारी की है।